देखिए विद्यालय कई बाथरूम है और उस बाथरूम के बगल में धर्मशाला है। धर्मशाला और विद्यालय के बाथरूम के बीच में एक सार्वजनिक गली है जो बरसों से खाली थी और उसको उन्होंने बंद कर दिया है। बंद करने के बाद जो विद्यालय का ड्रेनेज है और सेप्टिक टैंक का चैम्बर बना हुआ है तो सफाई बाधित हो रही है, पानी भर जाता है, इसलिए बच्चों में बीमारी फैलने का पूरा डर हो गया था। इसलिए बच्चों के हित में, विद्यालय के हित में मैंने प्रार्थना पत्र दिया था, उस पर कार्रवाई प्रशासन करना है। क्या प्रशासन ने कार्रवाई का आश्वासन दिलाया है? प्रशासन ने एक हफ्ते के अंदर खाली करने के लिए कहा है कि एक हफ्ते के अंदर ये टूट दिया जाएगा। नहीं खाली करते हैं तो दोस्तीगढ़ का आश्वासन भी दिया है? हाँ, दोस्तीगढ़ का आश्वासन दिया है प्रशासन। ये हमारे यहाँ कमी कि आपने डीएम को प्रार्थना पत्र दिया था, उसका क्या उद्देश्य था? उद्देश्य ये था कि बच्चों के लिए स्कूल है, ये स्कूल का एक सेप्टिक टैंक बना हुआ है, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है उधर, और वो सार्वजनिक गली है, उसके अंदर जब इन्होंने पार्क दिया तो फिर बदबू आने लगी, सब बच्चे स्ट्राइक करने पे तैयार हो गए। उसके लिए हम लोगों ने मीटिंग में एक प्रस्ताव पारित किया, डीएम हमारे अध्यक्ष होते हैं, तो उसी समय ये प्रस्ताव पारित किया गया कि इसको गिरा देना चाहिए। आदेश सिटी मजिस्ट्रेट को दिया कि इसको जाइए जाँच करके गिरा। ये कब आदेश पारित हुआ? किस तरह? सितंबर में आदेश पारित। तो कार्रवाई कहीं ना कहीं बहुत लेट नहीं नजर आ रही? तभी तो हमने 3-4 अप्लीकेशनें डीएम को दी, 3-4 अप्लीकेशनें भी डीएम को दी हमने, इसमें ये हो रहा है, आज भी गए थे मीडियम से। उसके बाद फिर प्रशासन ने कोई आश्वासन दे दिया है? आश्वासन क्या दे दिया है, वहाँ से जांच हो करके आ गया था कि गिराने लायक है, गिराने चाहिए, मगर सिटी मजिस्ट्रेट का ट्रांसफर साइट हो गया, इस वजह से।